नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू वन एसएमएस गाइस चैनल। यू नो इट्स बीन 14 इयर्स आई हैव बीन राइडिंग मोटरसाइकिल्स, बट आज तक मैंने किसी भी बाइक का रिव्यू नहीं डाला है। यू नो हार्ली डेविडसन का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, द आइकॉनिक हार्ली डेविडसन, जो इंडिया में अब नहीं रहा। बट यस, हार्ली डेविडसन ने अपना एक बाइक को रिव्यू करने के लिए और मेरा राइड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजा, तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो इस व्लॉग में आपको जो मोटरसाइकिल मुझे हार्ली डेविडसन ने दिया था उस बाइक का फुल रिव्यू बताऊंगा। वैसे आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा। तो यस, इट्स हार्ली डेविडसन X440 जो हीरो ने मैन्युफैक्चर किया है। फुल डिटेल्स आपको वीडियो में आज के व्लॉग में दिखेगा। मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस था हार्ली डेविडसन ने मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस क्या था हार्ली डेविडसन का, ये हार्ली डेविडसन X440 चला के, और मेरा ये कंप्लीट एक्सपीरियंस ओवरऑल मुझे घर से उठा के घर पे ड्रॉप करने तक का एक्सपीरियंस आपको इस व्लॉग में आज दिखेगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हार्ले डेविडसन ने मुझे पिकअप करने के लिए कैब भेजी थी टू माय होम। द डिस्टेंस फ्रॉम माय होम टू द वेस्टर्न सोहना रिजॉर्ट एंड स्पा इज 45 किलोमीटर्स। द वेस्टर्न सोहना रिजॉर्ट एंड स्पा इज आवर गैदरिंग पॉइंट। तो मैं वहां पहुंचा। ओके गाइस, वेस्टर्न के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अभी जो रूम है, रूम पे जाएंगे 703, एंड यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा हार्ली डेविडसन का वो लगा हुआ है। वो आप आएंगे थोड़ी देर में, पहले चेक इन रूम पे जाते हैं। पहले अभी जा रहे हैं, पहले फिलहाल इसको क्या बोलते हैं जिसमें हम जा रहे हैं, ये बग्गी, बग्गी बोलते हैं, मयूर, मयूर पंखी। ओके, मोड़ को दिखाएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को रूम दिखाना चाहता हूँ। लेट्स एंटर द रूम ऑफ वेस्टर्न। लॉक हो गया, खुल गया। एक सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप टीवी देख सकते हो, टेबल वगैरह लगा हुआ है, बेड है, डबल बेड है, आदमी हम सिंगल है, वार्डरोब है, अपना सामान रख सकते हो। देखिए, प्रेस वेस करने का चीज़ें, हीटर वगैरह सब कुछ है। ओ माय गॉड, लॉकर वगैरह सब कुछ है। एनीवे, लेट मी शो यू द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। यहाँ पे एक बहुत ऐसे ट्रायंगल शेप का बाथटब है, यहाँ पे एक शावर शूट है, ऊपर है ट्रांसपेरेंट रूफ जहाँ से सब कुछ दिखता है, सन रेज वगैरह गिरता है। यहाँ पे आप नहाने का वो है, शैम्पू वैम्पू, वाइट टी वगैरह, बता नहीं ये जिंदगी में वाइट वो बॉडी वॉश, वाइट टी, ये चाय से नहाने का कुछ है क्या? ओह माय गॉड, बाथरूम वगैरह सब कुछ झकास है, पानी वानी सब कुछ दिया हुआ है, लाइट वाइट सब कुछ जला हुआ है, ब्यूटीफुल। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे बैठने का जगह, ओके, स्लाइड वाला है। ओके, नाउ आई कैन सिट हियर इन द हैमॉक, एंड सब ऐसे ऐसे एक, आई डोंट नो इफ दिस इज कॉल्ड अ कॉटेज और वट एवर, ऐसे ऐसे एक एक मिला हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट बाय वेस्टर्न। तो यहाँ पे बैठेंगे, वो देखिए मोर, हम लोग के एसमीज में इसको बोलते हैं मयूर पंखी। वाओ वाओ। ओके गाइस, अब इस हार्ली डेविडसन के जो गिफ्ट का बैग है इसमें क्या है देखते हैं। तो ये गुडी बैग जब हम वेस्टर्न में चेक इन किया था तब हमें दिया गया था। सो दैट्स अ हार्ली डेविडसन टी शर्ट, साइज है L। ये आई थिंक वेस्ट से नीचे ऐसे लगता है, जो मेरे पास आज तक था नहीं। इसे क्या बोलते हैं, वेस्ट बैग ही होगा शायद। दिस इज अ नाइस आइटम, एंड हार्ली डेविडसन का एक की चेन ही बोलेंगे इसको, की चेन मिला है, एंड एक हार्ली डेविडसन का ये सिपर है, वाटर सिपर, पानी का बॉटल, हाँ शायद कुछ अलग ही मिल सकता है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। एंड दिस इज़ डेफिनेटली बफ, ये बफ है क्योंकि एंड फुल्ली हार्ली डेविडसन प्रमोट करना चाहते हैं ये लोग। ये लोग ये देखिए हार्ली डेविडसन का एक बफ, तो यही था। और शायद साथ में ये बैग, ये क्या है, ये क्या है, वट इज़ दिस, चाओ सुरेंग राजकोर, नाइस मैन, ये देख के मुझे मजा। ओह, दिस इज़ अ पैच, बेसिकली आप हेलमेट हेलमेट में स्टिकर लगा सकते हो, दिस इज अ स्टिकर। 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स, नाइस, आई लाइक इट, वेरी ब्यूटीफुल। लॉबी एरिया है शायद, और बैठे मैंने कैफे रेस्टोरेंट वगैरह है, बहुत ही बड़ा है। वेल, जिस काम से के लिए आए हैं वही सब दिखाएंगे मीन वाइल। ओके गाइस, सो दिस इज हार्ली डेविडसन 440X मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो मोटोकॉर्प, मेड इन इंडिया। तो इसी बाइक का हम लोग रिव्यू देने के लिए आए हैं। बेसिकली वी विल राइड एंड गिव एन एक्सपीरियंस, लाइक हम लोगों को कैसा लगा, क्या है,
एंड जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हुआ है हीरो का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है निमराना में, वहाँ पे जाएंगे एंड वी विल शो दिस बाइक कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे बाइक मैन्युफैक्चर होता है, सब वहाँ पे दिखाएंगे। तो यस, दिस इज़ लाइक यू नो दिस इज़ द बाइक एंड इसमें तीन वेराइटीज़ में आता है, एक विविड है, एक डेनिम है, ये एक एस है। ये कौन सा है आई एम नॉट श्योर, जब आएगा डिटेल्स मिलेगा तभी पता चलेगा। एंड पता चला है कि इसका जो फुल बॉडी है दैट इज टोटली मेटल, आपको सुना के दिखाता हूँ, इट्स नॉट प्लास्टिक एट ऑल। ये देखिए सब मेटल है, ये सब मेटल है, ये मेटल है सब कुछ। और ये जो साइलेंसर है ना, एक बार जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इंजन चलाने के बाद ये साइलेंसर को, थोड़ी देर चलने के बाद साइलेंसर को मैं छू के दिखाऊंगा कि ये इतना प्रोटेक्टिव है कि आपको हाथ, मतलब इतना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, जलेगा नहीं, तो दिखाऊँ तो। और बाकी जो भी है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा हार्ली डेविडसन 440X के बारे में, विच इज मेड इन इंडिया। That day we had to rest, but रात को एक briefing round था कि अगले दिन how Harley Davidson is planning the day for us. I was roaming around in the western premises and saw a couple of Harley Davidsons. फिर I went to one of the courtrooms and वहाँ पता चला कि wine and dine will be served here. Alright guys, so this is there जहाँ पे jam session होगा, मतलब यहाँ पे music चलेगा, सारे influencers यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे जो भी सीनियर मेंबर्स हो गए हार्ली के, क्रू मेंबर्स होगा या तो सीनियर मेंबर होगा जो हमें भाषण वगैरह देगा वो होगा। आई वॉज मोर ओवरवेलम्ड व्हेन आई सॉ टू कस्टमाइज बाइक्स इन द कोर्ट रूम। ओ आई थिंक दिस इज हार्ली 440 को ही इन लोगों ने कस्टमाइज किया है, देखिए हार्ली डेविडसन लिखा हुआ है। सो यस, दिस इज हार्ली डेविडसन 440 को कस्टमाइज किया है TND मोटरसाइकिल्स ने, नाइस। एंड आई थिंक दिस इज अनदर वन जिसको हार्ली डेविडसन का ही, आई थिंक सेम इंजन ही होगा, हाँ हार्ली डेविडसन का 440 ही है। एंड इवन दिस वन हैज़ बीन कस्टमाइज बाय, ये किसने कस्टमाइज किया है, बॉम्बे कस्टम वर्क्स। ऑलराइट, नॉट बैड नॉट बैड, 440 को ही कस्टम किया, अच्छा लग रहा है। इन द इवनिंग एक इंट्रोडक्शन एंड एक ब्रीफिंग राउंड हुआ वेर आई केम अक्रॉस इन्फ्लुएंसर्स लाइक कैंडिडा लुइस जो लास्ट 16 ईयर्स से मोटरसाइकिल चला रही है एंड शी हैज ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ऑन हर डोमिनर 400 सोलो, अकेले इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गई थी। So I've been riding motorcycles for the last 16 years, full-time content creation for 10 years. I came across some great influencers like Cherry Tagore, Ayush Verma. इन दोनों भाइयों का तो 1.1 million followers से ऊपर है YouTube में। There was Simranjit Singh जो एक सुपर बाइक रेसर है, काफी पॉपुलर है। There were Dusty Jackets जो Instagram में काफी पॉपुलर है। Overall there were 16 influencers including me chosen from all over India for this collaboration. इनमें से एक मुझे फ्रेंड मिला असम का। अब असम का है तो इमीडिएट दोस्ती बनी एंड डिनर के टाइम हमने साथ डिनर किया। Guys, अभी टाइम चल रहा है डिनर का, यहाँ पे जो इवेंट हो गया वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट था, क्या क्या था, क्या कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इवेंट था, एक्चुअली इन्फ्लुएंशियल इवेंट था। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सब लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, एक से बढ़कर एक। बाय द वे मैं हूँ अपना भाई के साथ जो असम से है, जो हम थोड़ी देर पहले मिले, जो हमारी बॉन्डिंग एकदम बटर चिकन जैसी हो गई। बटर चिकन। भाई का इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? रंजन डॉट सिमकारा। आप लोग फॉलो कीजिएगा इसको, बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक, मैं क्या बोलूँ, ऐसा मजा ट्रेवल वीडियोस बनाता है। खाना वाना चिकन बहुत बचा हुआ है, आप लोग खाएंगे, सोने के लिए जाएंगे, कल का व्लॉग कल देखा जाएगा। नहीं, रूम पे जाके गुड नाइट बोलेंगे, अभी खाना दीजिए तसल्ली से। ऐसे अकेले सोने का आदत नहीं है, कोई नहीं है, सुबह के 4:30 बज रहे। बाय, गुड नाइट। सो दोस्तों, लेट मी ब्रीफ यू कि आज क्या होने वाला है। आज हम हार्ली डेविडसन एक्स 440 का टेस्ट राइड करेंगे फॉर 100 किलोमीटर्स एंड पहुंचेंगे हीरो मोटोकॉर्प का फैक्ट्री यूनिट जो निमराना राजस्थान में है। हीरो मोटोकॉर्प कैसे हार्ली डेविडसन मैन्युफैक्चर करता है, हीरो मोटोकॉर्प का फैक्ट्री कैसे दूसरे टू व्हीलर कंपनी से अलग है, वो सब दिखाएंगे। वैसे हमें सुबह 7 बजे तक रेडी होना था, सो आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी। मतलब पहनने में काफी कंफर्टेबल है। ओके गाइस, सो मैं हो गया रेडी, कपड़ा वपड़ा पहन लिया,
हार्ली डेविडसन का टी शर्ट, हार्ली डेविडसन का बफ, हार्ली डेविडसन का वेस्ट पाउच, अच्छा लग रहा है। एंड हाँ, रेडी टू हो गया, अब बाहर जाते हैं। हाँ, ये जैकेट लगाना है मुझे, जैकेट तो बहुत ही कंपलसरी है, उसके ऊपर मैं अपना ये वाला जैकेट लगाऊंगा जो हाफ डेनिम का जैकेट है, और उसके बाद आज राइड करेंगे। बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या है। दिल्ली में अगर ऐसा हमेशा एक जगह मिलता सुबह उठने का, इतना फ्रेश है ना, फ्रेश मतलब क्या, इतना फ्रेश तो नहीं है, ऑफकोर्स दिल्ली ऑलवेज पॉल्यूटेड ही है, इट्स गुड। एंड ब्रेकफास्ट यहाँ पे सर्व किया जा रहा है, वहाँ पे चल रहे हैं, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। चेरी भाई को ब्लॉग्स में पहली बार लाया है, वैसे मिले भी हम पहली बार है। इस चेरी टैगोर फ्रॉम चेन्नई, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वेरी फेमस यूट्यूबर। एंड यस, वी आर हियर टुगेदर फॉर हाले वर्क, विल फिगर इट आउट। अभी खाने में क्या है, विल जस्ट टेक इट एंड विल ईट। बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी लेते हैं यार, लेके खाना शुरू करते हैं। क्या खाओ समझ में नहीं आ रहा यार, घर में तो नॉर्मली रोटी चावल, रोटी वोटी खाते हैं, नहीं कुछ भी चल जाएगा। म्यूजली व्यूजली ट्राई करते हैं, म्यूजली या तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ भी। एंड देयर इज वन मोर गर्ल, शी इज़ द वन, आई विल उसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले कुछ खाना वाना का जुगाड़ कर लेते हैं। When we arrived at the gathering point, हमें एक declaration form पे sign करके अपना driving license का details देना पड़ा। सब आने के बाद Harley के team ने हमें briefing दिया। हमें तीन groups में divide किया गया। I was in group 2, where 6 guys were there. Ranjan, Josh, Candida, Simranjit, Pratiksha and myself. Ride start करने से पहले आप लोगों को Harley Davidson X 440 का तीन अलग अलग मॉडल से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। This is Harley Davidson X 440 Denim. Remember, the yellow one is denim. ये बेस मॉडल है। The X showroom price in Delhi is 2,39,500 rupees, जो ऑन रोड पे आते आते हो जाता है 2,90,000 rupees. Denim has spokes, so it's quite obvious that it has tube. Okay, दोस्तों, so ये है Harley Davidson X 440 Vivid, जो thick red and dark silver colors में आता है. This is mid variant of Harley Davidson X 440. The X showroom price in Delhi is 2,59,500 rupees, जो on road पे आते आते हो जाता है 3,12,000 rupees. Vivid has multi spoke alloys, so it's quite obvious that it doesn't have tube. And this is Harley Davidson X 440S. जो मैट ब्लैक कलर में आता है। दिस इज द टॉप वेरिएंट ऑफ हार्ली डेविडसन X 440। द एक्स शोरूम प्राइस इन दिल्ली इज 2,79,500 रुपीस, जो ऑन रोड पे आते आते हो जाता है 3,34,000। एस हैज डायमंड कट एलॉय व्हील्स, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट इट डजंट हैव ट्यूब एज वेल, इट्स ट्यूबलेस टू। ओके, सो एवरीवन इज रेडी हियर। लकीली मुझे हार्ली डेविडसन X 440 का टॉप मॉडल मिला। जी हाँ, हार्ली डेविडसन X 440S। फाइनली हमारा राइड फ्लैग ऑफ होता है। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, वी विल राइड फॉर 100 किलोमीटर टू हीरो मोटोकॉर्प फैक्ट्री यूनिट इन निमराना, राजस्थान। I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. 55 किलोमीटर्स आने के बाद हम लोग अभी रुके हैं राजवाड़ा पे, एंड यहाँ पे कुछ खाने पीने का वो सब है, तो हम लोग अपना जो भी सामान है यहाँ पे रख के जाएंगे। चले गए अंदर, चले गए, मज़ा आया, हम दोनों भाई साथ साथ चल रहे थे आगे पीछे। सही है, मतलब बाइक अच्छी है ना, स्मूथ, मतलब प्यारी सी बाइक है। बाइक मतलब क्या है, बिनो एज अ क्रूजिंग के लिए बहुत अच्छा है, मतलब सिटीज के लिए तो अच्छा अच्छा है, बट मुझे, मैं एक्सपल्स चलाता हूँ, थोड़ा सस्पेंशन का लगा। एक्सपल्स तो मस्त है, मतलब वो अलग है, बट ठीक है, मतलब पावर तो बहुत सही है, बहुत सही है। गाइस, हम 55 किलोमीटर्स आए, मैं एग्जॉस्ट में कितना गर्मी हो रहा है आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हाथ लगा रहा हूँ, कितना गर्मी हो रहा है आप लोगों को पता है, मतलब कितना सही लगता है, कितना सही बनाया है एग्जॉस्ट। We had to ride for another 45 km.
I rode the motorcycle for 127 km per hour for the first time in my life. And what I felt was vibration only foot pegs and seat mein tha. Handling was very smooth and power to gajab ka hai is bike mein. Brakes mein thoda rare brakes mein mujhe kam laga, but aage ka brake is quite powerful. Suspension was okay. I ride an X-Pulse, so mujhe kam laga. But cruising ke liye it's perfectly fine. And with a very smooth ride, nearly 2 hours mein hum Hero Motocorp ka factory unit in Nimrana pahunche. Guys, we are here at Hero ka jo unit hai in Nimrana. Out of 6 in India, this is one of the manufacturing unit. Yahan pe hum log andar jayenge. Jo bhi dikha sakte hain, wahi dikhane ke liye allowed hai. Aap logo ko dikhayenge. And everybody has come here, सब safely ride किया है, सब लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं. अभी हम लोग अपना आई कार्ड, जैसे ये बनता है ना, ये आई कार्ड कलेक्ट किया है temporary वाला. Hero Motocorp factory unit पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, सो आपको जो फुटेजेस दिखेगा वो सब Harley के टीम ने कैप्चर किया हुआ वीडियोस दिखेगा. बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग देयर वाज अ Harley Davidson X440 पार्क, जहाँ पे सब इन्फ्लुएंसर्स ने जाके अपने वीडियोस बनाए, उनमें से एक मैं भी था. Guys, we are in Hero Manufacturing Unit. ये निमराना में है. This is one of the India में छह में से एक है जो निमराना में है. And this is where ये जैसे आप लोग देख रहे हो Hero, this is where this Harley Davidson 440X has been manufactured. और अंदर क्या क्या है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो हम लोग अंदर जाके देखते हैं. चलो. Once we enter the Hero Motocorp factory unit का building, on the left hand side there was a green wall. जहाँ बहुत सारे सैपलिंग्स, मतलब पौधे प्लांट किया हुआ था. इट वॉज ब्यूटिफुल टू विटनेस हाउ Hero Motocorp इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग मोटरसाइकिल्स बट ऑल्सो मेंटेनिंग ग्रीनरी इनसाइड द फैक्ट्री. सब आने के बाद वी वर टेकन टू अ स्मॉल ऑडिटोरियम, जहाँ हमें पूरा हीरो के प्लांट के बारे में बताया गया, कहाँ पे क्या होता है, एंड साथ में एक Harley Davidson X440 का शॉर्ट फिल्म भी दिखाया. द शॉर्ट फिल्म हैज बीन रिलीज्ड इन YouTube बाय Harley Davidson इंडिया. आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है. ऑडिटोरियम में सेशन खत्म होने के बाद फैक्ट्री टूर के लिए रेडी हुए हम. सबको एक एक हेडफोन दिया गया, सो दैट वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन. अमित जी ने सबसे पहला चीज जो बताया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड वन एडिशनल फीचर व्हिच यू विल बी ऑब्जर्विंग फ्रॉम देयर, लाइकवाइज दिस पर्टिकुलर प्लांट इज 12 फीट बिलो हाईवे बेस लेवल. सो हूसोएवर इज ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, दे विल बी एबल टू सी ओनली रूफ. निमराना में स्थित Hero Motocorp का यूनिट में खाली 100cc, 400cc एंड 400+cc मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर होता है. हम यहाँ आए हैं टू फाइंड आउट हाउ Harley Davidson X440 इज मैन्युफैक्चर्ड. बिफोर आई शो यू हाउ Harley Davidson X440 इज मैन्युफैक्चर्ड, लेट मी टेल यू आई एम नॉट अलाउड टू शो मैनी इनसाइड डिटेल्स एज इट इज अगेंस्ट द कंपनीज रूल. आई विल शो यू वट एवर इज अलाउड टू शो. Hero Motocorp ने Harley Davidson के साथ कोलाबोरेशन करके Harley Davidson X440 लॉन्च किया था इन जुलाई 2023. यहाँ हमें सब दिखाया गया, फ्रॉम फ्रेम असेंबली, इंजन असेंबली, हाउ अ टैंक इज वेल्डेड टू कम्प्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस, फ्रॉम जीरो टू रेडी टू बी सोल्ड Harley Davidson X440. What's interesting is 70% of the manufacturing is done through automation, which guarantees that there is minimal human error and uncompromised uniformity. Harley Davidson X440 के लिए एक Japanese technique use किया गया है, जिसे Poka Yoke कहा जाता है, which means mistake proofing or error prevention. This method assures that not even a single knot is missed while assembling the Harley Davidson X440. ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था टू विटनेस हाउ अ मोटरसाइकिल इज मेड फ्रॉम अ मेटल शीट, एंड आई रियली एंजॉय द कंप्लीट प्रोसेस. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फैक्ट्री इज Hero Motocorp मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जो निमराना एंड जयपुर वाला है, हैव बीन डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट. दिस ग्रीन फैक्ट्रीज डेमोन्स्ट्रेट हीरोज कमिटमेंट्स टू सस्टेनेबिलिटी विद वाटर एंड एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन. ग्रीन रूफ्स का मतलब है छत पे प्लांटेशन करना, फार्मिंग करना. आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी दैट Hero Motocorp निमराना प्लांट के ऊपर हाइड्रोफोनिक टेक्नोलॉजी से चार अलग अलग प्लांट्स का फार्मिंग किया जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द टोमेटोज. वी आर इन Hero Motocorp मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. नीचे आप टू व्हीलर्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है, और ऊपर देखिए क्या है, ये है टमाटर का खेती, बोल सकते हो आप खेती ही है. ऑफकोर्स यहाँ पे है कैसे उग रहा है, ये लोग ना सॉइल यूज़ नहीं कर रहे, मिट्टी यूज़ नहीं कर रहे, खाली पानी. और आपको रूट्स दिखाई देगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए. सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग इन Hero, और ये भी जो पानी है ना, वो वाटर कंजर्व करके ये खेती किया जा रहा है. आगे क्या क्या है आप लोगों को दिखा रहे. चलिए, सिमिलरली क्यूकम्बर, कैबेज, ब्रोकली का भी फार्मिंग किया जा रहा है साइड बाई साइड ऑन द रूफ. स्ट्रॉबेरीज का अभी एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है.
हाइड्रोफोनिक का मतलब आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोफोनिक का मतलब है ओनली बाय यूजिंग वाटर एंड नॉट बाय सॉइल। जस्ट पेबल्स यूज किया है टू होल्ड द रूट्स। जो पानी यूज किया गया है दैट्स नॉट फ्रॉम द अर्थ, इट्स फ्रॉम द एयर। आई मीन ह्यूमिडिटी से पानी जनरेट करके कंडेंस करके प्लांटेशन के लिए यूज किया जा रहा है। हाइड्रोफोनिक्स टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से प्लांट्स रिक्वायर ओनली 2% ऑफ वाटर। हीरो ऑल्सो रिसाइकल कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्रीन हाउस, देयर बाय एनहेंसिंग द प्लांट फोटोसिंथेसिस, व्हाइल द ग्रीन वॉल्स जनरेट ऑक्सीजन गिविंग इट बैक टू द वर्क एनवायरमेंट। एंड दैट्स द रीजन हीरो का फैक्ट्री मेनी अदर टू व्हीलर कंपनी से अलग है। अरे यहाँ का सोलर पैनल्स क्या रोल प्ले कर रहा है वो तो बताना भूल ही गया था। इट हैज सोलर पैनल्स जो 1.2 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, विच इज अराउंड 10% ऑफ द प्लांट्स डेली रिक्वायरमेंट। एंड यही सब चीजें हीरो मोटो कॉर्प को एक अलग फैक्ट्री बनाती है दूसरों से। अभी हम आए हैं लंच के लिए। लंच कहाँ कर रहे हैं बता दो। लंच कर रहे हैं हम पावर प्लांट के बिल्कुल सामने। ये पूरी फैक्ट्री सोलर बेस्ड है। हाँ ये देखिए पूरा सोलर से वो लगा हुआ है। और उसमें जहाँ पे आप लोगों को वो खेती देखा ना, वो देखे वहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे हो रहा है लंच अपना। इंटरेस्टिंगली मेरे प्लेट में जो क्यूकम्बर बोले तो खीरा दिख रहा है वो यहीं का है। After lunch, we had to gather at the reception because Harley Davidson ने हमारे लिए एक gift रखा था। The gift was a snake plant on a pot. It was gifted to all the influencers. हम सब ने plant पकड़ के photo खींचा। And in the end, we clicked a group photo in Hero MotoCorp plant and फिर हम चले गए West Inn in Sohna. Evening को मैंने और रंजन ने swimming pool में ही time spend किया। And फिर अपना party start हुआ around 7 o'clock. Well, party shorty तो होता रहता है। But इस event ने मुझे बहुत ही famous YouTubers like आयुष वर्मा and चैरी टैगोर, जिसके 1 million followers से ऊपर है, ऐसे influencers से मिलने का मौका मिला। I get to meet famous influencers like Amit and Suman, जिसे Dusty Jackets के नाम से Instagram में जानते हैं। मुझे सिमरनजीत, जो एक सुपर बाइक रेसर है, उनसे मिलने का मौका मिला। कैंडिडा, जो बहुत ही एक्सपीरियंस एंड इन्फ्लुएंसर राइडर है, उनसे मिलने का मौका मिला। और लास्ट में अपना गैंग रंजन और कशिश से मिलने का मौका मिला। बाकियों से इंटरेक्शन तो हुई बट इतना ज्यादा घुल मिल नहीं पाए। एंड इस पूरे इवेंट का क्रेडिट गोज टू सनी चौहान, ही मेड दिस हैपन। सो स्पेशल थैंक्स टू सनी, हार्ली डेविडसन एंड हीरो मोटोकॉर्प फॉर गिविंग मी दिस अनफॉरगेटेबल ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस।